राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस भाजपा में आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, तो बीजेपी से कांग्रेस की अंतर कलह बता रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कहना है कि बीजेपी देश में चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही है। अविनाश पांडे से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दिनेश कसाना ने। राज्यसभा की 3 सीटों को लेकर होने वाले 19 जून को मतदान को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हमारे साथ है राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। पांडे साहब, बाड़ेबंदी विधायकों के शुरू कर दी है, कहीं टूटने का डर है? बिल्कुल भी नहीं, कांग्रेस को पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो विधायक हैं वो सब एकजुट हैं, पार्टी पूरी एकजुट है और हमको समर्थन करने वाले हमारे जो स्वतंत्र विधायक भी हैं और अन्य दल के भी जो हमारे मित्र दल हैं, अन्य दल के लोग भी जिन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया है, सब एकजुट होकर इस चुनाव में कांग्रेस के हमारे दोनों उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आज आपने, मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है, सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपके ही पीसीसी चीफ हैं सचिन पायलट, वो कह रहे हैं कि ये केवल गलतफहमी पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, विधायकों की किसी तरह का कोई खून नहीं है, न सूचना मिली। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आज पूरे देश में क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। गुजरात में भी चुनाव है, गुजरात में क्या हो रहा है रोज आप पढ़ रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, त्रिपुरा में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, तो ये कोई बात छुपी नहीं है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए और चुनकर आए गए प्रतिनिधियों को और सरकारों को विस्थापित करने के और कमजोर करने की जो एक ही मुहिम चला रखी है, मुझे लगता है कि राजस्थान उससे अछूता नहीं है और जो भी कोशिशें यहां पर की गई हैं उसके चलते हुए जिन जानकारियों के आधार पर एसीबी और जो स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की ब्रांच को ये केस सौंपा गया है वो इस पर अपनी कार्रवाई कर रही हैं और बहुत जल्द ही उसकी रिपोर्ट और उसके संबंधित जो भी सच है वो लोगों के सामने और प्रशासनिक स्तर पर सामने आएगा। प्रमाणित साक्ष्य हैं ऐसे, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखिए, कोई ना कोई साक्ष्य होंगे ही, कौन किससे क्या बात कर रहा है, कौन कहाँ मिल रहा है, किसने किसको क्या मिला या कौन बीच का उनका एजेंट साथ में मिला है, हर चीज कहीं ना कहीं पर तो होगी ही, जो बहुत जल्दी जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। जो भी कॉन्फिडेंट है दोनों सीटें जीतने के लिए? निश्चित रूप से, कांग्रेस पूर्ण रूप से, कांग्रेस के पास में बहुमत है। अंतिम सवाल, 19 जून तक क्या सभी विधायकों को एक साथ रखा जाएगा? देखिए, हम कोई किसी को कंपल्शन किसी पे जबरदस्ती तो नहीं की है, उनकी सुविधा पर है और यहाँ पर अगर वो सब एकत्र रहना चाहते हैं तो उनका स्वागत। तो ये थे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कहना है कि जिस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का देश में प्रयास किया जा रहा है, वहीं राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से खरीद फरोख्त के प्रयास किए गए उसको लेकर ही कांग्रेस की ओर से शिकायत की गई है और जल्द ही उसका खुलासा होगा। साथ ही अविनाश पांडे ने दावा किया है कि कांग्रेस राज्यसभा की दोनों सीटें प्रदेश में जीतेगी और सभी विधायक एकजुट हैं। वीडियो जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर।